डियर स्टूडेंट्स, पिछले वाले हमने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी के जो लेक्चर था उसमें हमने लेथ मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें है लेथ मशीन पे क्या क्या एसेसरीज हम लगाई जाती है जिससे कि हम अलग अलग तरह का वर्क कर सकते हैं, तो एसेसरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेसरीज जो है लेथ एसेसरीज, ये दो तरह की होती है, दो कैटेगरी में डिवाइड की होती है। एक तो होती है वर्क होल्डिंग सपोर्टिंग और ड्राइविंग डिवाइसेस, जो कि वर्क को होल्ड करती है, सपोर्ट करती है, उसको ड्राइव करने में उसमें काम में ली जाती है। और दूसरी होती है कटिंग टूल होल्डिंग डिवाइसेस, मतलब कटिंग टूल जो होता है उसको होल्ड करने के लिए जो डिवाइसेस काम में ली जाती है वो होती है, ठीक है ना। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में जो जनरली जो एसेसरीज आती है वो आती है लेथ सेंटर्स आते हैं, ये चक्स आते हैं, फेस प्लेट्स आती है, मैंड्रिल्स हैं, स्टडी एंड फॉलोवर रेस्ट हैं, लेथ डॉग्स हैं, ड्राइव प्लेट्स हैं, ये आती है, ठीक है। और टूल होल्डर में आता है जैसे स्ट्रेट और ऑफसेट टूल होल्डर्स आते हैं, थ्रेडिंग टूल होल्डर आते हैं, बोरिंग बार्स आती है, टरेट टाइप टूल पोस्ट होते हैं, ये आते हैं। ये अलग अलग तरह के जो हैं ये एसेसरीज इसमें रह जाती है, ठीक है। तो अब आते हैं लेथ सेंटर पर। सबसे पहले जो लेथ सेंटर है जो कि वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आता है, तो लेथ सेंटर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली क्या है कि जो वर्क जो भी करते हैं हम दो सेंटर के बीच में लगा के हम उसको करते हैं, ठीक है। तो वर्क टू बी टर्न बिटवीन सेंटर्स मस्ट हैव सेंटर होल ड्रिल इन, यहाँ पे इस तरह के ऐसे शार्प एजेस वाले ये सेंटर्स होते हैं जो रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, सपोर्ट ड्यूरिंग कटिंग, ड्यूरिंग कटिंग ये सपोर्ट का काम करते हैं। मोस्ट कॉमन सॉलिड मोर स्टेपर शेंक 60 डिग्री का, मतलब जनरली जो मोस्ट कॉमन जो सेंटर्स काम में रहते हैं उनमें मोर स्टेपर काम में, मोर स्टेपर जो होता है वो शेंक जो होता है उसको 60 डिग्री उस हिसाब से उसका सेंटर होता है, ठीक है। और केयर टू एडजस्ट द ब्रैकेट, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन होता है इस जगह इस सरफेस पर, तो ये फ्रिक्शन होता है तो यहाँ पे हम लुब्रिकेट भी यूज लेते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। टाइप्स ऑफ लेथ सेंटर्स ये तीन तरह के बताए गए हैं, इनमें ये डिफरेंस है ये कि लेथ सेंटर्स इज यूज एज ए सपोर्ट एट द एंड ऑफ वर्क पीस, इट इज़ यूजली मेड ऑफ कार्बन टूल स्टील, ठीक है। ये कार्बन टूल स्टील का बना होता है, ठीक है। ये लाइव सेंटर, डेड सेंटर या हाफ सेंटर, इस तरह से ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। जो लाइव सेंटर है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एज टू सिक्स, इट इज़ कंसर्ड सो एज टू डेट 60 डिग्री सेंटर रन, ये जो एंगल होता है ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री एंगल पे इसका ये बना होता है, ठीक है। द लाइव सेंटर फिट्स इन द स्पिंडल, ये जो भाग है ये स्पिंडल के अंदर लगता है, ठीक है। तो और वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। सेंटर इन हेड स्टॉक स्पिंडल, ये इस तरह से हेड स्टॉक होता है, इसके स्पिंडल में ये लाइव सेंटर इस तरह से ये लगाया जाता है, ठीक है। डेड सेंटर जो होता है वो टेल स्टॉक के अंदर लगाया जाता है, टेल स्टॉक का जो आपका जो ये होता है ये दूसरी तरफ ये टेल स्टॉक का, यहाँ पे ये डेड सेंटर ये लगाया जाता है। और ये क्या लंबी जो शाफ्ट है पूरी इतनी लंबी है, इसको जब टर्निंग करते हैं तो बीच में बेंड हो सकती है, कर सकती है, इसको सपोर्ट देने के लिए इसको जनरली हम ये काम में लेते हैं। ए सेंटर डेट इज कट अवे ऑलमोस्ट टू इट्स पॉइंट, इट इज़ ऑफन यूज इन द टेल स्टॉक फॉर फेसिंग अप टू और फॉर टर्निंग क्लोज टू द एंड ऑफ वर्क, जो एंड ऑफ वर्क जो होता है वहाँ पे, क्योंकि कट एक तरह से अगर वहाँ सपोर्ट नहीं देंगे तो वो बेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे जो एंड पे हम उसको सपोर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। फिर आते हैं ये चक्स हैं अलग अलग तरह के, ये जो चक है चक में क्या हम वर्क पीस को लगाते हैं, वर्क पीस को टाइट इसमें जॉब करते हैं, तो इसमें इस तरह से ये जार्ज होती है, चार जार्ज है, इसमें थ्री जॉ है, इसमें सिक्स जॉ है, तो अलग अलग तरह की ये जो चक होती है, ठीक है। तो इन जार्ज में हम वर्क पीस को लगा के उसको टाइट कर देते हैं और उसके बाद हम ये जो चक है ये स्पिंडल से लगा रहता है, तो इस तरह से ये चक घूमता है तो वर्क पीस भी इसके साथ घूमता है, तो ये बहुत ज़्यादा चक यूज में दिया जाता है, ये जैसे चक का एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है।
ये चक लगा हुआ है, यहाँ पे ये वर्क पीस लगा है, ये जहाज की हेल्प से इसको इस तरह से कस देते हैं और अब ये वर्क पीस होता है। इसी तरह से ये भी ये चक है, चक में ये जो है चक, ये क्लच टाइप है, इसमें एक क्लच से ये छोटी सी पिन को हमने टाइट कर रखा है, उस पर हम जो भी वर्क करना है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के चक हैं, ये 3 जा चक आते हैं, 4 जा चक आते हैं, क्लच टाइप ऐसे आते हैं, कोलेट बोलते हैं जिनको, कोलेट टाइप, ठीक है ना। तो कोलेट होते हैं जैसे, इससे यहाँ पे हम इसको क्या टाइट कर देंगे तो ये पोर्शन जो है बिल्कुल इसको ग्रिप कर लेगा और टाइट कर लेगा, तो इस तरह से ये चक्स काम में आते हैं। चक्स का क्या है, सबसे ज़्यादा यूज आते हैं वर्क होल्डिंग में, ठीक है, और वर्क लार्ज और अनयूजुअल शेप, इसके लिए हम इसको कई बार काम में लेते हैं। 3 तरह के होते हैं, 3 जा चक होते हैं यूनिवर्सल। 3 जा चक में क्या होता है, सेल्फ सेंटरिंग होता है, जैसे हम एक बार कटेंगे तो सारी जहाज एक साथ आएगी साथ में, तो उनको कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग। इसी तरह से 4 जा चक होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, चारों जहाज अलग अलग घूमते हैं, उनको हम आपको सेंटर करना होता है। तो सेंटरिंग कैसे करते हैं, जो सेंटरिंग का प्रोसेस जब बताएंगे उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। और कोलेट चक होते हैं, कोलेट चक में क्या है कि स्प्रिंग लोडेड टाइप होता है, इसमें आगे आके वो क्लच टाइप उसको आगे टाइट कर देगा और वर्क पीस को पकड़ लेगा, ठीक है। 3 जा चक का ये डिटेल दिखाया गया है, होल्ड राउंड शेप को ये होल्ड कर सकता है और हेक्सागोनल शेप को ये इजीली होल्ड करता है, क्योंकि ये 3 एंगल पर होते हैं, 120 डिग्री पे ही होता है, तो आराम से 6 मतलब हेक्सागोनल शेप को भी ये कर सकता है और इसके साथ ये राउंड शेप को भी अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये तीनों जहाज हैं, ये जैसे यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे इसकी ये की जो है, ये वाली की है, ठीक है, इस की को इस की होल में लगा के इसको टाइट करेंगे तो ये तीनों जहाज एक साथ अंदर या बाहर जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से एक साथ ये इसको कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग चेक होता है ये, और एक साथ अंदर जाके और उसको वर्क पीस को होल्ड करती है, या एक साथ बाहर निकाल के वर्क पीस को वापस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका उल्टा जो 4 जा चेक होता है, उसमें क्या होता है कि 4 चक जहाज होते हैं इसे, लेकिन चारों जहाज अलग अलग मूव करते हैं, जैसे ये एक जा इसे ऊपर से अपन की से घुमाएंगे, ये जा अलग से ऊपर नीचे जाएगा, ये अलग से इसकी की से जाएगा, ये अलग की से अलग इससे जाएगा, तो ये सब अलग अलग मूव होते हैं। तो ऐसे जहाज को पे हम कोई चीज़ को लगाएंगे तो उसको सेंटर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो वर्क पीस है इस स्पिंडल के सेंटर में ही से कॉन्साइड, इस वर्क पीस का जो सेंटर है इस स्पिंडल के वर्क पीस से कॉन्साइड होना ज़रूरी है। अगर ऐसा कॉन्साइड नहीं हुआ तो जो वर्क पीस है वो एसेंट्रिक रहेगा, और एसेंट्रिक रहेगा तो जो भी वर्क पीस हम काटेंगे वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप या सर्कुलर शेप में नहीं होगा, फिर वो ओवल शेप में आ जाएगा, या तो ऐसे केस में हमारे को उसको बिल्कुल सेंटर करना ज़रूरी है, तो वो चीज़ हमारे को ध्यान है। लेकिन 4 जा चक का कई बार क्या होता है कि जैसे कोई ऐसा पीस होता है जो बिल्कुल मतलब राउंड शेप में नहीं है, स्क्वायर शेप में, तो इसी जगह ऐसे पीस को भी हम टर्न करने के लिए हम उसको इसमें लगा सकते हैं, पर ये कि सेंटर करना हमारे को आना चाहिए, सेंटर करना हमारे को पड़ेगा। और इन जहाज से हम ये जहाज को रिवर्स करके इस तरह से होलो चीज को भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक शाफ्ट को भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से हम इनको दोनों तरफ करके यूज ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हेड स्टॉक स्पिंडल। हेड स्टॉक स्पिंडल ये होता है, ये क्या है कि आपकी जो हेड स्टॉक की जो के अंदर जो मेन मोटर होती है, मोटर से ये स्पिंडल लगा रहता है और ये ही मेन घूमता है। ये स्पिंडल जो है ये होलो होता है पूरा अंदर से। होलो क्यों होता है, जैसे कोई वर्क पीस लंबा है तो इसके अंदर चला जाएगा और उसका बाहर का पार्ट होगा जिस पे हम यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, तो इसलिए इसका होलो होता है, ठीक है। और इसके स्क्रू जो होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कस के हम इसके ऊपर चक को लगा सकते हैं, या डॉक प्लेट लगा सकते हैं, सेंटर लगा सकते हैं, वो इस स्पिंडल के ऊपर लगते हैं, तो ये स्पिंडल है उसका, ठीक है। कुछ में इस तरह से टेपर्ड स्पिंडल भी होता है, ठीक है। टेपर्ड स्पिंडल नोज हेल्ड बाय लॉक नट एंड टाइटन्स ऑन द चक। ये क्या लॉक नट से होता है, उसको हम किसी चक को जो टेपर शेप में होता है उसको लगा के और लॉक नट से उसको फिक्स कर देंगे, तो इस तरह से ऐसे कोई चक होंगे तो उनको लगाने के लिए काम में आता है, ठीक है। फिर केम लॉक स्पिंडल। केम लॉक में क्या, केम हेल्ड बाई टाइटनिंग केम लॉक यूजिंग टी रेंच की हेल्प से हम इसको लगाते हैं, तो इस तरह के जो होते हैं इनको मतलब केम लॉक स्पिंडल नोज बोलते हैं।
फिर आते हैं कोलेट टाइप के। कोलेट टाइप का भी बताया कि जैसे ये ऐसे देखें तो ये इस तरह से ये होता है, तो यहाँ पे हम कोई भी पीस लगा के इसको हम ऊपर से किसी चीज़ से प्रेस कर देंगे, जैसे कोई भी चीज़ टाइट करके, जैसे आपने वो कोई क्लच पेंसिल देखी होगी, उसको अपन स्प्रिंग से वो दबाते तो पीछे की तरफ जाके और अंदर पेंसिल को जो लीड होती है उसको वो टाइट करके रखता है, तो इसी तरह की चीज़ इसमें होती है। तो इस तरह से इसमें कोलेट टाइप इसमें करना है, इसको इस तरह के भी जो छोटे वर्क पीस के लिए काम में लेते हैं, और जहाँ प्रिसिशन वर्क होता है वहाँ पे काम में लेते हैं इसे चक को। ये अलग अलग तरह के कोलेट्स हैं, अलग अलग साइज में और ये मिलते हैं, ये अलग अलग तरह के कोलेट्स हैं, ठीक है। ये कोलेट चक का मैकेनिज्म दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कोलेट है, तो यहाँ पे हम जैसे कोई चीज़ लगाई और इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, तो ये बाहर के जो तीन अलग अलग पार्ट हैं, ये ग्रूव बने हुए ना, ये पास आके उसको जकड़ लेंगे, और जकड़ लेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल टाइट हो जाएगी, और उसके बाद हम उस पर मशीनिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कोलेट चक का ही मतलब और एग्जांपल दिया गया, ये आपका स्पिंडल है होलो, इसके अंदर हम वर्क पीस को लगा के इस तरह से हम अलग अलग वर्क पीस पर काम कर सकते हैं। फिर आता है लेट डॉग या कैरियर। लेट डॉग या कैरियर है ये डिवाइस डेट क्लेम्स अराउंड द वर्क पीस। ये क्या है, वर्क पीस के चारों तरफ लग जाती है, और ये एंड अलाउज रोटरी मोशन। ये क्या है कि बेसिकली लेट डॉग जो होता है ये उसकी डॉग प्लेट में ये लग जाएगा, और इसके अंदर वर्क पीस लग जाएगा, यहाँ पे ये वर्क पीस लग जाएगा। अब वो जो प्लेट जब घूमेगी तो उसके साथ ये घूमेगा, ये आगे की स्लाइड में आपको बताते हैं। ये इस तरह से दो तरह के होते हैं ये, एक तो होता है स्टैंडर्ड बेंट टेल लॉग, और एक होता है स्ट्रेट टेल लॉग। ये तो स्ट्रेट टेल लॉग है और ये बेंट टेल लॉग है। बेंट टेल लॉग में ये वाला पार्ट है वो डॉग प्लेट में अंदर चला जाता है, और वो घूमती है उसके साथ ये भी घूमता है। उसका यूज़ देखो आप, ये जैसे ये वर्क पीस लगा दिया हमने, टाइट कर दिया, और ये वाला पार्ट है ये उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ये क्लैंप टाइप है, इसमें ये क्लैंप इस तरह से अलग अलग साइज का आता है, इसमें क्लैंप में बीच में लगा के वर्क पीस को और इसको लगा देंगे, तब ये इस तरह से घूमेगा को। ये इसका किस तरह से काम में लेते हैं, ये आपका सेंटर है, ये आपकी डॉग प्लेट है, और ये डॉग है, तो ये डॉग के अंदर यहाँ पे तो वर्क पीस हमने लगा दिया, और ये इसके डॉग प्लेट के अंदर चला जाएगा। अब ये क्या है, ये स्पिंडल के साथ घूमेगा ये वाला पार्ट, और ये घूमेगा तो इसके साथ ये डॉग प्लेट घूमेगी और ये वर्क पीस भी घूमेगा, और उसको घूम के इस तरह से हम वर्क पीस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वो इस तरह से क्लैंप टाइप का जो है, जिसमें क्या है पीछे का पार्ट अगर सर्कुलर नहीं हो तो इस तरह का डॉग प्लेट काम में लेते हैं, और इससे हम इसको मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है फेस प्लेट। फेस प्लेट क्या होती है कि जब बहुत बड़े वर्क पीस जो होते हैं हमारे पास, उनको अगर काम में लेना हो जिनकी डायामीटर ज़्यादा हो, तो क्या क्लच ये चक वगैरह उसमें काम नहीं आ पाते, तो वहाँ पे हम बड़े बड़े वर्क पीस के इसमें फेस प्लेट को काम में लेते हैं। तो ये फेस प्लेट इज ए बेसिक वर्क होल्डिंग नेसेसरी ऑफ लेट। इट इज़ सर्कुलर मेटल पीस विच होल्ड्स एट द स्पिंडल है। स्पिंडल पे इस तरह से लगी जाती है। द वर्क पीस इज देन क्लेम्ड टू फेस प्लेट। ये फेस प्लेट में भी डिफरेंट होल है, यहाँ पे इसको वर्क पीस को होल्ड कर दिया जाता है, और इनके जो स्लॉट्स हैं स्लॉट में टी बोल्ट वगैरह जो लगा के हम उसको लगा देंगे, और उसके बाद वर्क पीस की मशीनिंग करेंगे, और ये प्लेट जो है डॉग प्लेट ये चक के ऊपर लग जाए सॉरी स्पिंडल के ऊपर लग जाएगी, और स्पिंडल से इसको हम इसको करेंगे। ये फेस प्लेट का है यूज टू होल्ड वर्क ऑफ लार्ज और शेप दैट कैन नॉट बी हेल्ड इन चक। ऐसी चीज़ जो चक में नहीं लगा सकते उनको हम इसमें लगा सकते हैं डॉग प्लेट के। अब जैसे ये एक पीस है, ये बड़ा ऐसा शेप है कि हम इसको चेक में लगाएंगे तो बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे अगर टर्निंग करनी है हमारे को तो ये सेंटर में नहीं है इस पीस के, तो इसको ये पार्ट सेंटर में रहने के लिए हमने इस प्लेट में अलग अलग तरह से बोल्ट लगा के इसको सेंटर में लगा देते हैं, और उसके बाद इसकी मशीनिंग कर देते हैं। फिर आता है ड्राइव प्लेट। ड्राइव प्लेट जो है प्रोवाइड द ड्राइव व्हेन टर्निंग बिटवीन द सेंटर। ड्राइव प्लेट जो है वो दो सेंटर के बीच में जब घूमता है तो इसको ये ड्राइव प्लेट है, जिसको डॉग प्लेट भी कई बार मैंने अभी बताया था, ये ड्राइव प्लेट है जो जहाँ पे डॉग जो लगा के हम उसको लगा सकते हैं। स्टडी रेस्ट या फिक्स्ड रेस्ट। स्टडी ये क्या है कि जब लंबा पीस होता है तो बीच में उसको सपोर्ट करने के काम में आते हैं। यूज टू सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस और चक बिटवीन द लेथ सेंटर। दोनों सेंटर्स के बीच में जब लंबा पीस होता है तो उसको बीच में ये लगा के हम उसको सपोर्ट करते हैं, ताकि वर्क पीस जो है वो बेंड नहीं हो जाए और हमारी मशीनिंग प्रॉपर हो पाए। लोकेटेड ऑन द क्या
located on the alignment by way of lathe, positioning by the point of the lathe at the any point along the lathe. मतलब उसकी पोजिशन भी हम आगे पीछे करके उसको सरका सकते हैं. थ्रीजा टिप्ड विथ प्लास्टिक ब्रॉन्ज और रोलर्स में भी एडजस्टेड टू सपोर्ट एनी वर्क पीस. इसके अंदर जो थ्रीजा होती है वो विथ प्लास्टिक एंड ब्रॉन्ज रोलर्स होते हैं, ताकि क्या है कि वो जो वर्क पीस के साथ रोल होते हुए उसको पूरा सपोर्ट देते हैं. ये इस तरह से ये डायग्राम, ये इसका ये डायग्राम है स्टडी रेस्ट का. ये ब्रास के पीसेज हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ये यह क्या है कि इस पूरे लंबे वर्क पीस को यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं. ठीक है, ये इस तरह से ये रोलर टाइप है. यहाँ पे ये इस एंड पे ये रोलर लग रहे हैं, ये स्टडी रेस्ट है, ये बीच में लगे और यहाँ बीच में शाफ्ट जाता है. तो ये रोलर क्या है, जब शाफ्ट घूमती तो रोलर भी उसके साथ घूमते, तो शाफ्ट मतलब वर्क पीस को घूमने में कोई दिक्कत आती नहीं है. ठीक है, ट्रेवलिंग और स्टडी और फॉलोवर स्टेप, ये क्या है, सेडल के ऊपर लगाए जाते हैं. ठीक है, और ये कैरिज के साथ साथ ये भी मूव करता है, ताकि बीच में कहीं नहीं आए, तो इस तरह से ये साथ साथ चल सकते हैं. जैसे ये जो है ये कैरिज के ऊपर ही लगा दिया. अब जैसे जैसे ये वर्क पीस को हम टर्न करेंगे, साथ साथ ये भी चलता रहेगा, तो ये वर्क पीस को सपोर्ट करता हुआ आगे या पीछे ये चलता रहेगा. ये ट्रेवलिंग टाइप है. ठीक है, ये भी वही ट्रेवलिंग टाइप है. इसमें यहाँ पे ये और ये सपोर्ट है और ये टूल पीस है, तो ये कैरिज के साथ साथ आगे या पीछे चलता रहता है. फिर आता है मैंड्रिल. मैंड्रिल जो है ये क्या है कि जो मशीन के इंटरनली उसको होल्ड करने के, होल्ड इंटरनली मशीन वर्क पीसेज, अंदर इंटरनल जो वर्क पीसेज है उनको होल्ड करने के काम आता है बिटवीन सेंटर्स. सेवरल टाइप्स, ये कई तरह के होता है. प्लेन मैंड्रिल होता है, एक्सपेंडिंग मैंड्रिल होता है, गैंग मैंड्रिल होता है. तो ये आप इसमें देखिए ये कि ये जैसे ये मतलब बहुत ये बड़ा ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस आपका, ये वर्क पीस है. तो ये वाला जो ये मैंड्रिल है, ये मैंड्रिल क्या इसके बीच में से होके यहाँ पे इसमें फिट कर देते हैं, ताकि अब क्या कि ये यहाँ पे ये सेंटर के साथ ये मैंड्रिल घूम रहा है, लेकिन ये वर्क पीस या बीच में या घूमेगा तो इसके साथ ये इस तरह से ये प्लेन मैंड्रिल है. ठीक है, इसी तरह से एक्सपेंडिंग मैंड्रिल है. तो ये क्या है कि इसकी साइज़ को हम लंबाई या चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके लिए ये एक्सपेंडिंग मैंड्रिल काम में ले सकते हैं. ठीक है, ये है गैंग मैंड्रिल, मतलब कई सारी मैंड्रिल को एक साथ जोड़ के और अलग अलग हम इसमें काम में लेते हैं, तो अलग अलग तरह की मैंड्रिल है. ये है स्टब मैंड्रिल है, ये स्टेप में इस तरह से है, तो अलग अलग साइज़ का जो होता है उस हिसाब से आता है. ठीक है, तो ये इस तरह से कई सारी जो एसेसरीज है ये इसमें लेथ मशीन में काम में ली जाती है. नेक्स्ट अपन वीडियो में देखेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस और लेथ के अंदर और उस पर क्या कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे. धन्यवाद.